श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हो गए भी किसान जथेबंद ने की देना है। यह सुनो ध्यान नाल, किसान जथेबंद ने देन की है। मेरे दादा जी का 30 साल तो लैके 80 साल तक किसान यूनियन की सेवा की। 80 साल के उन्होंने मौत हो गई थी। 7 साल किसान जथेबंदी की सेवा की है। पंजाब के बिच किसान जथेबंदी लियाने के सरदार करतार सिंह चेयरमैन मेरे दादा जी का हाथ रहा। दिल्ली कोई पहली बार किसान जथेबंदी नहीं आई, दिल्ली में पहली बार नहीं आई। अज टिकर छोड़ रही इतने माझा साढ़े दबाबा एरिया बैठा। मैं तुम दसना चाहना किसान जथेबंदी देन की है। पंजाब का बिजली बोर्ड खड़ेगा प्राइवेट होया पाया। अज टिकर बिजली बोर्ड रुकया खड़ा, किसान जथेबंदी करके रुकया खड़ा। ध्यान नाल गल सुन लो, जेकर अज तक फसलों के रेट मिलते हैं किसान क्लीयर करके मिलते हैं, बेशक साढ़े बापू साढ़े नौजवानों थोड़ा घट समझते हैं। मैं उस परिवार को जी सारी उम्र किसान जथेबंदी लिखे लाई है। एक किसान जथेबंदी की देन है। अज तक जी कारपोरेट घराने की गल करते हो, एक कारपोरेट घराने करोड़ पंजाब के बच्चे बड़े बैठे ने। 2003 की गल मैं गल दस देना, फिर के साथ धौला फैक्ट्री लगी हुई है। 3 लाख रुपया रेट दी सी किसानों, 2-3 हजार जमीन अक्वायर करी सी उन्होंने। जो कि किसान जथेबंदी बैठी रही तो 15 लाख रुपया रेट उन्होंने लेके उठे सके। जो कि उस समय का बहुत सारा पता रेट सी। मैं जितने तक पंजाब के नौजवानों की गल करा, पंजाब के नौजवान वो ने जो कि अज तक जिन्ने बारी भारत गुलाम होया, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव सिंह वर्गिया ने देश आजाद करवाया। पूरे कल चरखे करके देश आजाद नहीं होया। गल ध्यान नाल सुन लो, एक चीज मोदी भी इस चीज में भुल गया। एक चीज मोदी भुल गया, 18 बारी इसे दिल्ली जीती है। 18 बार दिल्ली जीती है। पहला मुगलों ने साडा देश आजाद गुलाम रहा, किने जाने के देश आजाद कराया, साडे सिंघां ने देश आजाद कराया। फिर अंग्रेजों ने देश गुलाम हुआ तो साडे नौजवानों साडे पंजाबियों ने देश आजाद करवाया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। एक गल होर सुनो पंजाब के वासियों, प्लीज पंजाब के वासियों गल होर सुनो। इतने बैठे का कारण की है, पंजाब की गंदी राजनीति करके इतने बैठे हैं, पंजाब के लीडर करके इतने बैठे हैं। 2022 आऊगी, 2022 आऊगी, तुम और नौजवानों को चुनो, वो चंगे चंगे लीडर चुनो। फिर एक बार MLA इतने वोटों के खड़ा हुआ, जो हारा जिता वोट कदे भुल के नहीं पाने। नवे बंदे लैके आओ, अगर पंजाब का विकास चाहते हो, पंजाब की तरक्की चाहते हो, नवे नवे बंदे पंजाब की राजनीति में अगे लेके आओ, तो थोड़ा पंजाब देश तरक्की आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहेंगे। लेकिन आप अपने जिले जिले पर 2 घंटे शहर में 2 घंटे सुनेंगे, पर स्टेज तुम पता भी इंडिया लेवल स्टेज लगी है सारी, इस करके तेन माफी होने। अगर जय सिंह जी अंबाले तो किसान आ गया, सिंह हरियाणा तो अंबाले जी, जय सिंह किसान आ गए।